class 4. Assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is multiplication by two-digit numbers in another two-digit numbers. आज का हमारा जो टॉपिक है रिवीजन है बच्चों, रिवीजन कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन. वन डिजिट नंबर हमने किया, आज हम करेंगे टू डिजिट नंबर. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर इन अनदर टू डिजिट नंबर्स. ओके, सो लेट्स टेक इन एग्जांपल. एक चीज याद रखने की है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई जीरो इज जीरो, ठीक है ना. तो आज हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे है 25 मल्टीपल बाय 12. यहाँ पे हम करेंगे, आपको अगर टेबल याद होंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर टेबल नहीं याद होंगे तो आपको बड़ी ही क्या हो जी दिक्कत हो जाएगी. तो 2 5s are 10, यहाँ पे ये जीरो लगेगा वंस की पोजीशन पर और टेंस वाला टेंस की पोजीशन पर चले जाएगा. तो 2 2s are 4 4, लेकिन यहाँ पे ये जो गया है तो कितना हो जाएगा, 2 2s are 4, तो प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 5. एक चीज और याद रखनी है आपने, जब भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वन डिजिट के साथ, क्योंकि ये टू डिजिट है, यहाँ पे टू डिजिट है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे वन डिजिट के साथ, उसके बाद जब आप दूसरे डिजिट के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपने इधर क्रॉस लगाना है. यहाँ पे अगर आप यही इस पे 1 5s are 1 यहाँ पे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये चीजें याद रखनी है, यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे, आप दूसरे डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5s are 5, 1 2s are 2, ठीक है ना. अब क्या करना है हमें, अब इसको एड करना है. क्या करना है, एड करना है. एड हम करेंगे 0 प्लस 0, है ना. 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, यहाँ पे 0 लगेगा, 1 यहाँ पे जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है. अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो है हमारे पास 84 मल्टीप्लाई बाई 1 4 14, ठीक है ना. अब सेम इसी तरह जैसे हमने एक एग्जांपल की, सेम उसी तरह यहाँ पे करने, वहां पे 12 का टेबल पढ़ना था, यहाँ पे 14 का टेबल पढ़ना है. हमारे पास आ गया 4 4s are, शाबाश, गुड, 16, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 8s are, शाबाश, 32 प्लस 1 कितना हो गया 33. ये चीज याद रखनी, ये पहले डिजिट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जब हम दूसरे डिजिट के साथ आएंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे दूसरे डिजिट के साथ, 1 4s are 4, 1 8s are 8. अब इसको करेंगे हम एड, ठीक है. 6 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3 11. तो ये होगी हमारे पास कितनी, 2 एग्जांपल्स. नाउ आई विल टेक द अनदर एग्जांपल. यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास है 89 कोई भी इनटू 23, ठीक है ना. यहाँ पे ये दो डिजिट हैं, इनको मल्टीप्लाई हम करेंगे, पहले डिजिट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9s are 27, यहाँ पे 7 लगेगा, 2 जाएगा, 27, ठीक है ना. 1s और 10s, वंस की पोजीशन पे वंस का डिजिट लगेगा, टेंस की टेंस की पोजीशन पर चला जाएगा, ठीक है ना. आप आ जाएगा 3 8s are, शाबाश, 3 8s are कितना होता है 24 24, और प्लस यहाँ पे ये 2 आए, कितना हो गया 25 और 26, ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा डिजिट हमारे पास है 2 9s are 18, यहाँ पे 1 आएगा सेकंड पोजीशन पर, टेंथ पोजीशन पर वंस का लग गया. अब 2 8s are 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, ठीक है. अब इसको हम ऐड करेंगे, 7 6 प्लस 8 कितना हो गया 14, 4 लगेगा, 1 यहाँ पे जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 7 हो गया 10, 1 यहाँ जाएगा, 1 1 2.
तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे मल्टीप्लाई बाई टू डिजिट नंबर, ठीक है ना। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई बाय थ्री डिजिट नंबर भी करेंगे इसी तरह से। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तो दूसरे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो ये है आज का हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय टू डिजिट नंबर इन अनदर टू डिजिट नंबर, ठीक है। ओके, टेक केयर।